गुरुवार को सिविल थाना स्थित श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड गया क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कंपनी के प्रेसिडेंट सह जोनल बिजनेस हेड फरहत इकबाल ने फीता काट कर शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि कस्टमर के सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने रीजनल ऑफिस का स्थापना गया में किया है। आज रीजनल ऑफिस का शुभारंभ किया गया है, तो किस तरह का सुविधा मगधवासियों को मिलेगा सर? ये हमारा बिहार का चौथा रीजनल ऑफिस है। बिहार में हमारे कम से कम 70 के आसपास ब्रांचेस हैं और बिहार में हमारा बेगूसराय, भागलपुर, पटना और अभी गया का रीजनल ऑफिस ये खुल रहा है। यहाँ हमारे जो गया के सराउंडिंग एरियाज है उनका सब काम यहाँ से होगा। हम लोग फाइनेंस में हैं और डिपॉजिट लेते हैं और भी बहुत सारा जो सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं कस्टमर्स को, वो सब यहाँ से मुहैया होगा। हम लोग कस्टमर के नज़दीक आना चाहते हैं। अभी यहाँ ये पहले पटना से देखा जाता था, पटना से काफ़ी दूरी थी तो कस्टमर को हम जितना सुविधा दे सकते थे वो देते थे, बट कहीं ना कहीं शिकायत का मौका मिल जाता था। अभी गया रीजन ऑफिस होने के बाद हमारा यहाँ से उनके करीब पहुँचने में ज़्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग उनको ज़्यादा अच्छे से उनको सर्विस दे पाएंगे, इसीलिए हम लोगों का ये कंसेप्ट था और हम लोगों ने गया का आज रीजनल ऑफिस शुरू किया है। इस मौके पर गया क्षेत्रीय प्रबंधक राजवर्धन, अजीत कुमार, राजीव कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अंशु कुमार गुप्ता के अलावे कई लोग मौजूद थे। बिजनेस गया रीजन के लिए अभी कस्टमर्स का इतना, माने इधर से बहुत ज़्यादा केसेस हो रहा था अपना, बहुत ही पोटेंशियल एरिया है बोल के गया में अपना रीजनल ऑफिस, जैसा इस सर ने बताया है आप लोगों को, इसको लेके हम लोग गया में अपना रीजनल सेटअप किए हैं कि कस्टमर्स को सुविधा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका इंटरेक्शन हम लोगों के साथ हो सही तरीक़ा से।